हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल टेक्निकल गुरु भास्कर पर आपका स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार हम स्प्लिट एसी में लगे सर्विस वाल्व का अगर पिन वाल्व लीक हो जाता है तो उसको बिना गैस निकाले कैसे रिपेयर कर सकते हैं। स्प्लिट एसी के सर्विस वाल्व में लगे पिन वाल्व के लीक होने पर बिना गैस निकाले उसे हम कैसे बदली कर सकते हैं। पिन वाल्व की लीकेज चेक करने के लिए साबुन का झाग बनाकर सुनिश्चित कर लें कि पिन वाल्व लीक कर रहा है। यदि हाँ तो इसे दिखाए जा रहे कोर रिमूविंग टूल के द्वारा हम आसानी से ODU में से बिना गैस निकाले मिनटों में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले कोर रिमूविंग टूल को सर्विस पोर्ट पर लगा लें। अब टूल में लगे वाल्व को खोलकर इसके लीवर को धीरे से अंदर की तरफ दबा दें। अब धीरे से पिन वाल्व उसमें फंसाकर इसको खोल लें। खोलने के बाद कोर रिमूविंग टूल के वाल्व को बंद कर दें। अब वाल्व के पीछे वाले हिस्से को, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, उसको खोलकर पिन वाल्व को निकाल लें। अब ये खराब वाला पिन वाल्व बाहर निकल चुका है और इसकी जगह हम दूसरा नया पिन वाल्व लगा सकते हैं। नया पिन वाल्व लेकर उसको कोर रिमूविंग टूल में डालकर लीवर वाला भाग जो है वो टूल पर लगा लें। कोर रिमूविंग टूल में लगे वाल्व को खोलकर लीवर को पिन वाल्व के साथ सर्विस वाल्व की तरफ दबा दें। दबाने के बाद ये पिन वाल्व जो है सर्विस वाल्व में बैठ जाएगा और उसे पूरी तरह से टाइट कर दें। अब पूरी तरह टाइट होने के बाद कोर रिमूविंग टूल को ODU के सर्विस वाल्व से खोलकर अलग हटा लें। सर्विस वाल्व में लगाए गए नए पिन वाल्व की लीकेज को चेक करने के लिए साबुन का झाग बनाकर फिर से अब इसकी लीकेज चेक कर लें और सुनिश्चित करें कि नया लगाया गया वाल्व लीक ना हो। इस प्रकार हम कोर रिमूविंग टूल की मदद से आसानी से बिना गैस निकाले पिन वाल्व को बदली कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप कोर रिमूविंग टूल की मदद से स्प्लिट एसी के सर्विस वाल्व का जो पिन वाल्व लीक हो जाता है उसको बिना गैस निकाले कैसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।